मनोज बैंक क्लास 12 फिजिक्स। आज का हमारा चैप्टर है अल्टरनेटिव करंट, यानी क्या प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव करंट क्या है, यानी प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है और विद्युत धारा के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत धारा यानी क्या इलेक्ट्रिकल करंट। इस चालक में आवेश के प्रभाव की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा मुख्यतः दो टाइप की होती है। पहला टाइप क्या है, पृष्ठ धारा यानी क्या डायरेक्ट करंट। सेकंड टाइप क्या है, प्रत्यावर्ती धारा यानी क्या अल्टरनेटिव करंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, यानी विद्युत धारा यानी क्या इलेक्ट्रिक करंट वह धारा जिसका मान समय के साथ क्या है या किसी चालक में आवेश के प्रभाव की दर किसी चालक में आवेश प्रभाव की दर किसी चालक में आवेश प्रभाव की दर को किसी चालक में आवेश प्रभाव की दर को क्या है आवेश प्रभाव की दर को क्या है आवेश प्रभाव की दर को क्या धारा कहते हैं या विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश में क्या है प्रभाव की दर को क्या है विद्युत धारा कहते हैं। ये कोई चालक है इसमें आवेश के प्रभाव की दर को क्या है विद्युत धारा कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है। सबसे पहले तो क्या है दृष्ट धारा को इंग्लिश में क्या होता है मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे डायरेक्ट करंट। सेकंड टाइप क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसको बोलते हैं शॉर्टकट में डीसी करंट यानी क्या डायरेक्ट करंट यानी क्या दृष्ट धारा। इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी क्या अल्टरनेटिव करंट यानी क्या एसी। एक करंट डीसी होता है और एक क्या एसी करंट होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा है किसी चालक में आवेश के प्रभाव की दर को क्या विद्युत धारा कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दृष्ट धारा किसे कहते हैं फिर प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या विद्युत धारा समझ में आ गई किसे बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दृष्ट धारा वह धारा जिसका मान समय के साथ क्या प्रवर्तित नहीं है और साथ ही एक निश्चित दिशा में प्रभावित हो उस धारा को क्या है दृष्ट धारा बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो दृष्ट धारा कर रहे हैं हम फर्स्ट टाइप दृष्ट धारा। वह धारा जिसका मान समय के साथ क्या परिवर्तित नहीं हो वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं हो और साथ ही एक ही निश्चित दिशा में क्या धारा प्रभावित हो और साथ ही एक निश्चित दिशा में धारा प्रभावित हो। क्या कहलाती है दृष्ट धारा कहलाती है। ठीक है, दृष्ट धारा कहलाती है यानी डायरेक्ट करंट कहलाती है। वह धारा जिसका मान क्या है समय के साथ क्या है परिवर्तित नहीं हो अर्थात
और साथ ही एक निश्चित दिशा में धारा प्रभावित हो दृष्ट धारा कहलाती है। इसको डायग्राम से कैसे प्रदर्शित करेंगे देखो, ठीक है, ये आई की वैल्यू है, ये जीवनकाल है, ये 30 एमएम है, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जांपल हो गया इसका, यानी क्या है, वह तारा जिसका मान समय के साथ क्या है, प्रवाहित नहीं हो और साथ ही एक निश्चित दिशा में प्रभावित हो। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, दृष्ट धारा यानी क्या है, डायरेक्ट करंट, वह धारा जिसका मान समय के साथ क्या है, प्रवाहित नहीं है, समय के साथ क्या है, धारा का मान प्रवाहित नहीं है और साथ ही एक निश्चित दिशा में धारा का मान क्या है, प्रभावित हो, और निश्चित दिशा में धारा का मान क्या है, प्रभावित है, उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट या दृष्ट धारा बोलेंगे, ठीक है। ये इसका क्या है, डायग्राम। अब ये तो दृष्ट धारा होगी, ये तो समदिष्ट धारा है यानी एक समान धारा के लिए है। अब हम पढ़ेंगे असमान दृष्ट धारा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, तो मैं एक बार इरेज कर रहा हूं इसको। अब हम पढ़ेंगे असमान दृष्ट धारा, ऐसी धारा उस समय के साथ दिशा अपरिवर्तनीय है। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं असमान दृष्ट धारा, असमान दृष्ट धारा, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा है, दृष्ट धारा किसे बोलते हैं, अब हम पढ़ेंगे असमान दृष्ट धारा, ऐसी धारा जो समय के साथ दिशा तो अपरिवर्तित रहे परंतु धारा का मान क्या है, बदलता है। ऐसी धारा जो क्या है, समय के साथ क्या है, अपरिवर्तित रहे परंतु धारा का मान क्या है, बदलता है, असमान दृष्ट धारा कहलाता है, ठीक है। वह धारा जिसका मान समय के साथ समय तो क्या है, अपरिवर्तित रहे, मतलब चेंज ना, अपरिवर्तित रहे परंतु धारा का मान बदलता है, मतलब समय तो क्या है वो ही रहेगा लेकिन धारा का मान क्या है, बदलता रहता है, परंतु धारा का मान बदलता है। असमान दृष्ट धारा कहलाती है, असमान दृष्ट धारा कहलाती है। ये चीज आपको समझ में आई क्या, वह धारा जिसका मान क्या है, समय के साथ तो क्या है, अपरिवर्तित रहे, मतलब टाइम तो क्या है, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, परंतु धारा का मान क्या है, चेंज होता रहता है, क्या कहलाती है, असमान दृष्ट धारा। अब इसको क्या डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे क्या आपको समझ में आएगा, ठीक है, जल्दी ये देखो, ये टी समय है, ठीक है, दो डायग्राम बनाता हूं मैं, यहाँ पे टी भी क्या है, समय, ठीक है। ये धारा तो क्या है, आई, एक तो धारा का मान क्या है, ये बदलता है और समय क्या है, अपरिवर्तित है, ठीक है, एक तो ये डायग्राम बनेगा, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा देखो, ये आई है, इसमें समय तो सेम है लेकिन धारा का मान बदल रहा है, एक बार ऊपर है, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, यहाँ पे भी क्या है, धारा का मान क्या है, बदल रहा है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, असमान दृष्ट धारा कहलाती है, ठीक है। दृष्ट धारा सेल या बैटरी से क्या है, प्राप्त की जाती है, इसकी आवृत्ति एफ टेंस टू क्या है, शून्य होती है और इसका आवर्तकाल भी क्या है, इनफाइनाइट होता है। मतलब जो असमान दृष्ट धारा है उसकी दो विशेषता बताता हूँ मैं आपको, देखो, फर्स्ट तो विशेषता क्या होगी, फर्स्ट विशेषता तो क्या है, दृष्ट धारा बैटरी या सेल से प्राप्त की जाती है, सबसे पहली बात तो ये है, दृष्ट धारा किसे मतलब प्राप्त करते हैं, बैटरी या सेल से, ठीक है, इसकी आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है, एफ टेंस टू जीरो यानी शून्य होती है,
मतलब विश्व धारा क्या है, सेल या बैटरी से प्राप्त की जाती है, लेकिन इसकी आवृत्ति क्या है, एफ टेंस टू, मतलब आवृत्ति को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या है, शून्य होती है। सेकंड विशेषता क्या होती है, यानी गुण, विशेषता बोल दो या गुण बोल दो या इम्पोर्टेंस बोल दो, सब चीज़ें एक ही होती है, ठीक है। सेकंड बात यह मतलब टाइप क्या हो, मतलब क्या होती है इसमें, क्या है आवर्तकाल का मान क्या है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इसका आवर्तकाल क्या है, इसका आवर्तकाल इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, अयस्मान दिष्ट धारा क्या होती है वो लिखा है। अयस्मान दिष्ट धारा में क्या होता है, जो समय तो क्या है अपरिवर्तित रहता है, लेकिन धारा का मान क्या है, बदलता है। मतलब ये डायग्राम में बता रहा है कि धारा का मान क्या है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, ठीक है। इस डायग्राम में ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो अयस्मान दिष्ट धारा होती है ना, उसकी दो इम्पोर्टेंस या विशेषता क्या होती है, दिष्ट धारा का मान क्या है, सेल या बैटरी से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इसकी आवृत्ति क्या होती है, एफ टेंस टू जीरो, और इसका आवर्तकाल क्या होता है, वो भी क्या है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या क्या है, दिष्ट धारा किसे बोलते हैं वो कर लिया। दिष्ट धारा में एक समदिष्ट धारा होती है, जो एक समान धारा होती है, दूसरी क्या होती है, एक अयस्मान दिष्ट धारा, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं प्रत्यावर्त धारा, यानी क्या, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। ये देख लो आप एक बार, अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिंग करंट यानी क्या है, एसी, ठीक है। इसको एसी से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रत्यावर्त धारा बोलते हैं इसे, प्रत्यावर्त धारा। ये इसका सेकंड टाइप है, ठीक है। ये देख लो आपको समझ में आ गया, देख करो, जो अल्टरनेटिव करंट होती है यानी प्रत्यावर्त धारा होती है, वो क्या होती है, वह धारा जिसका मान तथा दिशा लगातार आवर्त रूप में क्या है, प्रवर्तित लैम्डा होते हैं, प्रत्यावर्त धारा कहलाती है। तो प्रत्यावर्त धारा की आवृत्ति कभी भी क्या है, नियत नहीं रहती, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटिव करंट, ये मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव करंट पढ़ेंगे हम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी करंट, वह धारा जिसका मान तथा दिशा दोनों के ऊपर परिवर्तित रहे, लैम्डा होते रहे, ठीक है। वह धारा था दिशा, वह धारा था दिशा, मतलब धारा और दिशा दोनों क्या है, परिवर्तित रहे, परिवर्तित लैम्डा होते रहे। वह धारा था दिशा परिवर्तित लैम्डा होते रहे, होते रहे। वह धारा था दिशा, वह धारा जिसका मान था दिशा लगातार, इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं, वह धारा था दिशा, या वह धारा जिसका मान था दिशा, ठीक है, प्रवर्तित रहे, ठीक है। इसको हम क्या इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इस प्रकार ले करके इसका मतलब जो डेफिनेशन है, इसको इस प्रकार लिखेंगे, वह धारा जिसका मान था दिशा, वह धारा जिसका मान तथा दिशा, वह धारा जिसका मान था दिशा क्या है, प्रवर्तित लैम्डा होते हैं। वह धारा जिसका मान था दिशा प्रवर्तित लैम्डा होते रहते हैं, वह धारा था जिसका मान तथा दिशा फिजिक्स, कल के लेक्चर में मैंने पढ़ा, आपको पढ़ाया था मैंने, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा के दो टाइप होते हैं, दिष्ट धारा
और क्या है प्रत्यावर्त धारा। तो कल हमने क्या पढ़ा था दिष्ट धारा क्या होती है, फिर दिष्ट धारा भी क्या है, एक तो समदिष्ट धारा मतलब एक समान धारा होती है, दूसरी क्या होती है असमान दिष्ट धारा। तो कल हमने दिष्ट धारा के बारे में पढ़ लिया था और वो जो क्या प्रत्यावर्त धारा यानी क्या अल्टरनेटिव करंट वो रह गया था। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव करंट क्या होता है यानी प्रत्यावर्त धारा क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा प्रत्यावर्त धारा, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट, ये सेकंड टाइप रह गया था। ठीक है, उसका तो प्रत्यावर्त धारा क्या होती है, वह धारा जिसका मान तथा वह धारा जिसका मान तथा दिशा क्या है लगातार आवर्त रूप में क्या है परिवर्तित लैम्डा होते रहते हैं, क्या कहलाते हैं प्रत्यावर्त धारा कहलाती है। ठीक है, इसकी आवृत्ति क्या है प्रत्यावर्त धारा की, वो क्या है नियत नहीं रहती। ठीक है, मतलब कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहती। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे प्रत्यावर्त धारा किसे मतलब क्या बोले अल्टरनेटिव करंट को। ठीक है, तो अल्टरनेटिव करंट क्या होता है वो लिखता हूँ मैं, आप देखो वह धारा या वह धारा जिसका मान तथा दिशा वह धारा जिसका मान तथा दिशा लगातार आवर्त रूप में क्या है प्रवर्तित लैम्डा होते रहते हैं क्या कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है यानी क्या अल्टरनेटिव करंट कहलाती है। वह धारा जिसका मान था दिशा लगातार क्या है आवर्त रूप में प्रवर्तित लैम्डा होते रहते हैं प्रत्यावर्त धारा कहलाती है। ठीक है, प्रत्यावर्त धारा में आवर्ती क्या है फ्रीक्वेंसी यानी एफ का मान क्या है नियत नहीं रहता। ठीक है, प्रत्यावर्त धारा की आवर्ती नियत नहीं रहती मतलब क्या है इसका कॉन्स्टेंट नहीं होती। ठीक है, तो आज मैंने क्या पढ़ा है सबसे पहले अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्त धारा क्या होती है। ठीक है, वह धारा जिसका मान तथा दिशा लगातार क्या है आवर्त रूप में क्या है परिवर्तित लैम्डा होते रहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है अल्टरनेटिव करंट कहलाता है। ठीक है, जो इसकी आवृत्ति है ना फ्रिक्वेंसी एफ का मान क्या है कॉन्स्टेंट या नियत नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके आगे वाला टॉपिक क्या है वो पढ़ेंगे, वो टॉपिक है प्रत्यावर्त धारा का औसत या माध्य मान। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है प्रत्यावर्ती धारा का औसत या माध्य मान। ठीक है, यानी सेकंड टॉपिक हमारा क्या है प्रत्यावर्त धारा का औसत या माध्य मान। ठीक है, तो प्रत्यावर्त धारा का औसत या माध्य मान यानी क्या है एवरेज एंड क्या है ये क्या है प्रत्यावर्त धारा का हमें औसत मान निकालना है यानी क्या है एवरेज एंड क्या है रूट मीन्स ऑफ क्या है अल्टरनेटिव करंट यानी औसत को एवरेज बोलेंगे, माध्य मान को बोलेंगे रूट मीन्स, प्रत्यावर्त धारा को बोलेंगे अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, यानी हम लिखेंगे एवरेज एंड रूट मीन्स एवरेज एंड क्या है रूट मीन्स ऑफ अल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट मीन्स यानी औसत माध्य मान किसे बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे औसत माध्य मान किसे बोलेंगे मतलब एक पूर्ण चक्र के लिए क्या है ताक्षणिक या प्रत्यावर्त धारा को क्या है माध्य या
उस मध्य प्रत्यय द्वारा कहते हैं। ठीक है, देखो एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए एक मतलब संपूर्ण चक्र के लिए मतलब पूर्ण मतलब एक पूरा चक्र के लिए एक पूर्ण चक्र के लिए दाक्षिणिक या प्रत्यावर्ती एक पूर्ण चक्र के लिए दाक्षिणिक या प्रत्यावर्त धारा के माध्य को या औसत माध्य को, औसत माध्य को क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्त धारा बोलेंगे, यानी प्रत्यावर्त धारा कहते हैं। मतलब एक पूर्ण चक्र के लिए क्या है, ताक्षणिक धारा या ताक्षणिक धारा बोलेंगे या ताक्षणिक धारा बोलते हैं इसको, या प्रत्यावर्त धारा के माध्य को या औसत माध्य को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्त धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसे प्रत्यावर्त धारा कहते हैं। तो पहले आधे चक्र के लिए क्या है, धारा का औसत मान, पहले आधे चक्र के लिए आधे, पहले आधे चक्कर के लिए धारा का औसत मान या ताक्षणिक धारा बोलेंगे इसको। जो ताक्षणिक धारा का समीकरण होता है वो क्या होता है, वो देखो, वो समीकरण होता है आई टेंस टू एंड आई इज इक्वल टू आई लॉग साइन ओमेगा टी। तो ये तो क्या है, इसका क्या है, वो हो गया आधे चक्कर के लिए धारा का औसत मान या ताक्षणिक औसत मान का जो समीकरण होता है वो होता है I is equal to I not sin omega t। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, एवरेज एंड क्या है, रूट मीन्स ऑफ क्या, अल्टरनेटिव करंट, यानी क्या है प्रत्यावर्त धारा का औसत या माध्य मान क्या होता है। तो पहले तो क्या है, प्रत्यावर्त धारा का औसत या माध्य मान क्या होता है वो लिखा मैंने। मतलब एक पूर्ण चक्र के लिए क्या है, ताक्षणिक धारा या प्रत्यावर्त धारा के औसत या माध्य मान क्या है, प्रत्यावर्त धारा कहते हैं। ठीक है, तो पहले आधे चक्र के लिए क्या है, धारा का औसत मान, माध्य को या माध्य औसत को क्या है, तो पहले आधे चक्र के लिए क्या है, धारा का औसत मान ये आ गया हमारे पास। तो हमें क्या है, औसत मान निकालने है। औसत मान निकालने के लिए समीकरण लिखते हैं आई एम, मतलब औसत मान बोल दो या माध्य मान बोल दो, तो इसको आई एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जीरो हमें क्या है, पहले आधे चक्र के लिए निकालना है, तो लिमिट क्या होगी, जीरो से टी बाई टू। आधे चक्र के लिए निकालना है, पूरे के लिए निकालते तो टी हो जाती। ठीक है, तो पहले आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान निकालना है, आई डीटी अपॉन क्या है, टी बाई टू। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ये देखो इसके बाद में कुछ भी नहीं करना है, ओनली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ तक देखो, ये धारा का औसत या माध्य मान का, ठीक है, तो आई धारा टी समय में टी बाई टू। तो ये क्या है, पहले आधे चक्र के लिए है, तो लिमिट जीरो से टी बाई टू हो गया। तो हमें निकालना है जीरो से टी टू बाई टू आई डी टी है, आई की वैल्यू क्या है, यानी ताक्षणिक धारा या औसत धारा। ठीक है, आई इक्वल टू करेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन एक मान लो, इक्वेशन एक से लिखेंगे मान, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, वैल्यू पुट करेंगे, आई एम निकालना है हमें, तो यानी औसत या माध्य मान, लिमिट क्या है, जीरो से टी बाई टू, आई का मान क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डीटी अपॉन क्या, टी बाई टू। तो ये तो क्या है, आई नॉट क्या है, कॉन्स्टेंट है, टी बाई टू भी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे। तो ये टू आई नॉट अपॉन टी जीरो टी बाई टू लिमिट है, यानी साइन ओमेगा टी डी टी। अब क्या है, तो साइन ओमेगा टी है ना,
इसका क्या है इंटीग्रल कर लेंगे यानी क्या समाकलन करने पर यानी साइन ओमेगा टी बराबर क्या होता है माइनस का कोस ओमेगा टी यानी कोस ओमेगा तो ये आ गया 2 आई नॉट अपॉन टी माइनस का कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा लिमिट क्या है 0 से टी बाय 2 ठीक है तो इसको क्या है आगे कंटिन्यू करेंगे देखो तो ये क्या है हमारे पास आईएम यानी ओस या माध्यमन लिमिट क्या है मतलब बार कोस की वैल्यू क्या है 2 आई नॉट अपॉन टी तो ये माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा है तो इस ओमेगा को क्या बाहर ले लेंगे ले लिया मैंने बाहर तो अंदर क्या बचा माइनस का कोस ओमेगा टी तो पहले लिमिट टी बाय 2 रखेंगे फिर 0 रखेंगे तो यहां पे पहले रखा मैंने माइनस का कोस ओमेगा टी की वैल्यू थी टी बाय 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से है ठीक है तो यहाँ पे रखेंगे अब की बार 0 यानी माइनस यानी क्या है कोस ओमेगा 0 ओमेगा 0 यानी 0 अब हमें पता है कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है ना वो रखेंगे 2 पाई अपॉन टी आवर्तकाल जो ओमेगा की वैल्यू है ना वो हम रखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्या है टी तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आई एम 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या 2 पाई अपॉन टी इंटू टी है पहले से यहाँ तक समझ में आया अब अंदर देखो माइनस कोस ओमेगा ओमेगा की वैल्यू क्या रखेंगे 2 पाई अपॉन टी इंटू क्या टी बाई 2 है और ये क्या है ओमेगा की वैल्यू कुछ भी रखो 0 आएगा वैल्यू ठीक है तो कोस 0 का मान क्या होता है 1 टी से टी कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट और कोस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस 1 चूंकि कोस पाई इज इक्वल टू क्या है माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 यानी आई एम ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा टी से टी 2 से 2 यानी 2 ये तो क्या हो गया आई नॉट अपॉन क्या पाई 1 प्लस 1 हो गया ये 1 कैसे आया आपको पता है कोस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस 1 प्लस 1 यानी प्लस 1 2 तो ये क्या आ गया आई एम की वैल्यू मतलब कोस या माध्यमान की वैल्यू क्या आ गई 2 आई नॉट अपॉन क्या पाई ठीक है और जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14 तो ये क्या है आई एम इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन क्या है 3.14 इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.637 आई नॉट तो आई नॉट का मतलब यहाँ पे क्या है बढ़ते और धारा का शिखर या औसत मान ठीक है अर्थात आई नॉट क्या है बढ़ते और धारा का औसत मान या शिखर औसत मान या शिखर मान औसत मान या शिखर मान हो गया शिखर मान मतलब आई नोट की वैल्यू क्या है मतलब आई नोट को किसे रिप्रेजेंट करेंगे आई नोट का मतलब यहाँ पे क्या है प्रत्यय और धारा का शिखर मान या औसत मान इसी प्रकार अंश चक्र के लिए प्रत्यय और धारा का औसत मान इसी प्रकार आगे चक्र के लिए प्रत्यय और धारा का इसको क्या है आई नोट को मतलब प्रत्यय और धारा का औसत मान है जो शिखर मान धारा का शिखर मान है ठीक है शिखर मान है तो प्रत्यय और धारा का औसत मान क्या होगा तो आई एम इज इक्वल टू क्या ये हमारे पास आगे वैल्यू तो क्या है आई एम ये पॉजिटिव के अंदर वैल्यू आई है आई नॉट की और ये क्या है आई एम इज इक्वल टू क्या है माइनस टू आई नॉट अपॉन पाई है तो ये वैल्यू क्या है माइनस 0.637 ठीक है आई नॉट ठीक है तो यहां तक ये वैल्यू निकल के हमारे पास आ गई ये हमें निकाला था
मैं इसको क्या एक बार इरेज कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया तो इसको आगे कंटिन्यू भी करें। तो हमारे पास क्या ये निकल के आ गया, तो ये क्या है, यहां से वापस बताता हूं आपको। आई नोट का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रत्यावर्त धारा का शिखर मान। और इसी प्रकार आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्त धारा का औसत मान क्या होगा, तो मैंने क्या ये चीज वापस रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं देखो आई एम है मतलब वर्ग माध्य या औसत मान, जो माइनस टू आई नोट अपॉन क्या है पाई से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है, माइनस टू आई नोट अपॉन 3.14। आई एम मतलब औसत मान या वर्ग माध्य गुण मान, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 0.637 आई नोट, ये हमें याद करना था, ठीक है, ये हमें याद करना था। तो ये तो क्या है आधे चक्र के लिए, अब पूर्ण चक्र के लिए निकालना है। तो इसके बाद में ये जो वैल्यू आई हमारे पास, इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि आधे चक्र के लिए यानी 0 से 3/2 के लिए तो इसकी वैल्यू क्या है, धनात्मक यानी पॉजिटिव आएगी, ठीक है, यानी पॉजिटिव। और शेष 3/2 से टी के लिए क्या है, इसका मान क्या है, नेगेटिव आएगा। शेष क्या है T/2 से टी के लिए, इसका मान क्या है, नेगेटिव आ गया, ठीक है। अरे पूर्ण चक्र के लिए क्या है, इसका औसत मान क्या होगा, वो शून्य होता है, ठीक है। तो आई एम के पूर्ण चक्र के लिए क्या होगा, पूर्ण चक्र के लिए इसका मान क्या है, शून्य होता है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ लैंग्वेज लिखेंगे, मतलब 0 से T/2 लिमिट होती है आधे चक्र के लिए, इसका औसत या माध्य मान तो क्या होता है, पॉजिटिव, और शेष आधे के लिए क्या होता है, नेगेटिव। बच्चे पूर्ण चक्र के लिए क्या होता है, इसका मान क्या है, औसत मान क्या होता है, शून्य, यानी आई एम मतलब औसत या माध्य मान पूर्ण चक्र के लिए क्या होगा, 0 यानी क्या है, शून्य, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक था क्या, प्रत्यावर्त धारा का औसत या माध्य मान जो हमने निकाल लिया, पॉजिटिव के लिए निकाल लिया, नेगेटिव के लिए, मतलब लिमिट पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव मान आएगा नेगेटिव, 0 से T/2 के लिए तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और T/2 से शेष आधे के लिए क्या आएगा, नेगेटिव। अब पूर्ण चक्र के लिए 0 से T के लिए क्या आएगा, इसका मान क्या है, 0 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास क्या है, कल होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।